क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो एग्जाम्पल में तो हम ये कर ही चुके हैं, फिर भी चलिए करते हैं सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने यही किया था सर, यही सीखा था 0.6 बार। तो आप लोगों ने ट्राई तो घर पे कर ही लिया होगा, टाइम दिया था मैंने आपको, तो मैं कर लेता हूं यहां पर। तो 0.6 बार को आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.6 बार, ऐसा आपने मान लिया से। फिर x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, तो क्योंकि सिंगल डिजिट पर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10x इज इक्वल टू 6.666 को क्या लिखेंगे, 6 बार ही लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए, ठीक है, वी गेट, चलिए इक्वेशन भी लिख लेना, क्या आएगा आपका, 10x माइनस x इज 9x, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, 6 बार से 6 बार खत्म हो जाएगा, 6 माइनस 0 इज 6, तो x इज इक्वल टू 6/9। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 6, 3 3 9, तो 2/3, ये आपका मिल गया पी बाई क्यू फॉर्म, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसी तरह से 0.47 बार, तो देखिए 7 पर बार है, 4 पर नहीं है, तो पहला काम तो पहले तो लीजिए x इज इक्वल टू 0.47 बार को इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 1 इसको नहीं, अभी जो ही आ रहा है इक्वेशन, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, डेसिमल को पहले बार की तरफ लेकर जाइए, ठीक है, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4.7 बार, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। आप ये 777 आएगा, एक डिजिट पर डेसिमल है, तो इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो फर्दर 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x इज इक्वल टू 47.7 बार, ठीक है। ये इक्वेशन 2 ले लो, अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे फिर से, है ना, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, 10x माइनस एक्स इज 9x इज इक्वल टू 7 बार से 7 बार कैंसिल होगा, 47 माइनस 4 इज 43, x इज इक्वल टू 43/9, ये आपका फाइनल आंसर है गाइस, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग ट्राई कर लेंगे, या चलिए कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ट्राई तो आप लोगों ने कर लिया होगा, जिनसे नहीं हुआ है हो जाएगा क्योंकि सीख लिया है, कोई बात नहीं, इसको हटा रहा हूं मैं अभी। थर्ड, तो थर्ड है आपका x इज इक्वल टू 0.001 बार, दिस इज इक्वेशन 1, ऐसा आपने मान लिया, ये तो हम बोल ही रहे हैं। अब इसको आप 0.001 लिख सकते हैं, तो तीन प्लेसेस हैं या थ्री डिजिट्स हैं जिन पर बार लग रहा है, यानी कि थ्री डिजिट्स आपके रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा गाइस, 1000 से, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1000x इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा आपका, अगर मैं डेसिमल यहां लेकर जाऊंगा तो 00 का तो मतलब बनता नहीं है पहले, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 001.00 और फिर से 001001001, तो ये बार आ जाएगा, और इन दो जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है, ये तो पता ही है आपको, है ना, ठीक है। इसको ऐसे ले सकते हैं 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार, दिस इज इक्वेशन 2। फिर से इक्वेशन 2 से आपको माइनस करना है इक्वेशन 1 को, गेट क्या मिलेगा आपको, 1000x में से x माइनस होगा, क्या आ जाएगा गाइस, 999x प्लस टू 1.001 से 0.001 बार माइनस होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/999। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है।